धनबाद लोकसभा सीट से थोड़ी देर पहले निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिला है डोलू महतो को और अब वो यहाँ से धनबाद से अब माननीय विधायक साहब वो सांसद बन चुके हैं। नवनिर्वाचित सांसद से सीधे हम बात करते हैं, इनसे रूबरू होते हैं कि किस तरह से वो अगले आने वाले 100 दिनों में किस तरह से उनका विकास का योजना है और कैसे वो धनबाद की जनता का सेवा करेंगे और धनबाद की जनता के लिए इनकी क्या कुछ योजना है। सबसे पहले धनबाद की जनता के लिए क्या कहें? देखिए, हमारे देवतुल जनता से बस यही अपील करना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिला है। इस आशीर्वाद को हम एक कर्ज के रूप में है मेरे पर और इनका कर्ज हम ऋणी हैं, उनका ऋणी रहेंगे और उनके हमारा जब तक जीवन रहेगा तब तक धनबाद लोकसभा क्षेत्र जनता के मतलब उनका एक एक समस्या को चुनौती के रूप में लेके निदान करने का प्रयास करेंगे। सांसद बनने के बाद सबसे पहली जो जिम्मेवारी होगी और सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? अभी अभी हमारी बात डोलू महतो से हुई है, उन्होंने बताया है कि धनबाद की जनता को किस तरह से वो इसके लिए शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि लंबी मेहनत और लंबे समय के बाद उन्हें और कहीं ना कहीं एक बड़ा संघर्ष करना पड़ा इस जीत के लिए, क्योंकि कई तरह की बातें आ रही थी उनके उम्मीदवारी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जा रहे थे, बावजूद डोलू महतो ने सबको दरकिनार करते हुए अपने विजय का पताका को फहराया और इसमें भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने जो अपना योगदान दिया वह कहीं ना कहीं सराहनीय है। आप सामने देखिए कि जो सामने जो आप यह रथ देख रहे हैं इसी से विजय जुलूस अभी निकाला जा रहा है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं भाजपा के वो यहाँ पहुँच चुके हैं और इस पर सवार होंगे अभी थोड़ी देर में आकर के डोलू महतो, यहीं से वो सीधे डोलू महतो इस रथ में सवार होंगे। उससे पहले हम एक बार इस रथ का जायजा ले लेते हैं। सुरेश साहू जी, ये बताइए कैसा रहा पूरा, एक तरह से चाणक्य की भूमिका निभाई आपने? देखिए धनबाद, सबसे पहले तो धनबाद की जनता को मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बहुमत दिया है। ये बताइए भैया कि लंबी कहीं ना कहीं जो आक्रामक लड़ाई हो रही थी एक तरह से, बार बार बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, बावजूद इसमें आप लोग डिगे रहे और विजय सिंह को प्राप्त किया और यह जो 3 लाख से ऊपर का आंकड़ा है क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होते हैं वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ना जानते हैं और हमेशा विपरीत परिस्थितियों से ही लड़ करके आगे बढ़ा है। हमारे तमाम समर्पित कार्यकर्ता इस चुनाव में लगे और मैं इतना कह सकता हूँ कि धनबाद, डी से धनबाद, डी से ढुल्लू और डी से दिल्ली और डी से धनबाद का डेवलपमेंट, बिल्कुल 4 मंत्र इन्होंने दिया है। सत्येंद्र जी कहिए क्या कहेंगे इस मौके पर? यह ऐतिहासिक जीत है और जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री डोलू महतो जी को कोयलांचल की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है उस कसौटी पर डोलू महतो जी खड़े उतरे। आप बताइए संजीव जी क्या कहेंगे इस मौके पर, जीत के मौके पर? देखिए, बहुत ही गर्व का बात है कि पूरे झारखंड में डोलू महतो जी ने ऐतिहासिक जीत की है और जितने भी वोट आए वो ऐतिहासिक वोट है और धनबाद की जनता ने भरपूर प्यार डोलू जी को दिया है और इसीलिए झारखंड में सबसे अधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड डोलू जी ने बनाया है। नंदलाल अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। नंदलाल जी क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक मौके पर? ये जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना काम बखूबी निभाया है, सभी जनता को प्रणाम। कहा जा रहा था कि भीतरी घात होगा लेकिन ऐसा कुछ दिखा क्या? भीतरी घात कहा जा रहा था कि होगा, धनबाद में नहीं जीत पाएंगे, ऐसा कुछ देखने को मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है और वे संगठन को प्रमुख मानते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, इसीलिए कार्यकर्ताओं ने अपना कार्य पूर्ण रूप से किया। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमने तमाम जो भाजपा के पदाधिकारी हैं इनसे बात की और एक तरह से सभी लोगों ने बताया है कि किस तरह से मेहनत के साथ उन्होंने इस सीट को निकाला है और ठीक अब हम थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि डोलू महतो अब एक दूसरे रथ पर सवार हो गए हैं, उन्हें पगड़ी पहनाई गई है, उन्हें फूल मालों से लाद दिया गया है और सीधे वो अब जिस रथ में अभी हम लोग सवार हैं इसी में वो अभी आने वाले हैं और यहाँ से वो कार्यकर्ताओं का स्नेह लेते हुए आगे बढ़ेंगे, उन्हें धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो ऐतिहासिक जीत धनबाद में मिली है और झारखंड में सबसे बड़ी जीत देखने को मिली है और इस बड़ी जीत का जो गवाह है यहाँ की जो तमाम जनता बन रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार हमले होते रहे बावजूद
तमाम जो भाजपाई हैं वो इस मामले पर कहीं भी पीछे नहीं हटे, हमेशा फ्रंट फुट पर उन्होंने खेला। कई तरह की बातें देखने को मिली, लेकिन आज की जो जीत है वो ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं कई तरह के मैसेज को देने का काम कर रही है। डुल्लू महतो बस ठीक जिस रथ पर अभी हम थोड़ी देर पहले हम सवार थे, इसी विजय रथ पर वो सवार होकर यहाँ से अब विजय जुलूस के शक्ल में यहाँ से सीधे चिताही की ओर प्रस्थान करेंगे और वहाँ पर जा करके प्रभु श्री राम का जो मंदिर उन्होंने बनवाया है वहाँ पर आशीर्वाद लेंगे। इससे पहले एक बड़ी बात देखने को मिली कि जैसे ही सर्टिफिकेट मिला डुल्लू महतो को, उन्होंने सबसे पहले अपने बड़े भाई शरद महतो का दोनों पांव छू करके उन्होंने आशीर्वाद लिया, उसके बाद तमाम कार्यकर्ताओं से मिले और उनका जो है अभिवादन वो स्वीकार किया। तो यह जो ऐतिहासिक पल आप धनबाद में देख रहे हैं यह गवाह है कि धनबाद में लगातार चौथी बार भाजपा ने यहाँ पर परचम लहराया है। और अगर हम बात डुल्लू महतो की विशेष तौर पर करें तो वो तीन बार इससे पहले विधायक रह चुके हैं और चौथी बार में जब वो निर्वाचित हुए हैं तो सांसद के रूप में हुए हैं। अब धनबाद की जनता जिन जिन चीज़ों को लेकर आज तक आंदोलन करती रही है कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाएँ बढ़ जाएंगी। और एक ऐसे परिवार का लड़का जो मध्यम वर्गीय परिवार से कभी रहा हो और उसने अपने संघर्ष के बलबूते इस मुकाम को पाया हो तो कहीं ना कहीं अपेक्षाएँ भी बढ़ेंगी और डुल्लू महतो की जिम्मेवारियाँ भी बढ़ेंगी। हम लगातार अपने दर्शकों को यहाँ के बाद रूबरू कराते रहेंगे और भी जो विजय जुलूस होंगे उसे भी हम लगातार कवर करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।